हेलो दोस्तों, शड़ी मोड में आपका स्वागत है। बिहार फॉरेस्टर 2020, बिहार वनपाल भर्ती 2020, 20 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है बिहार वनपाल भर्ती का, फॉरेस्टर का। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि सर बिहार वनपाल के लिए भी कुछ सेट करा दीजिए, जैसे फॉरेस्ट गार्ड के लिए करा रहे हैं। तो देखिए, मैं मार्केट से गया, बुक लाया, किरण प्रकाशन का सबसे बेस्ट बुक लगा, और उसमें जो भी क्वेश्चन है मैं सभी क्वेश्चन आपको 20 दिसंबर आने से पहले कोशिश करूंगा करा देने के लिए, लेकिन मैं पार्ट वाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, जैसे पार्ट वन जो है सामान्य ज्ञान है, पार्ट वन सामान्य ज्ञान 1 से लेकर 15 क्वेश्चन आपको जो पूछेगा, जिसमें 3 क्वेश्चन इतिहास से, 3 क्वेश्चन आपको संविधान शासन से, 3 क्वेश्चन भूगोल से रहेगा, जिसमें बिहार से भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा, 3 क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से रहेगा और 3 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स रहेगा। ऐसे कर भाग वन में टोटल 15 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये वाला मैं सबसे पहले सेक्शन खत्म करता हूँ जिसमें 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन रहेगा, और ये किरण पब्लिकेशन का एक सेट 1 से लेकर 5 तक, टोटल 15 सेट इसमें है, 1 से लेकर 5 तक जो टोटल 75 क्वेश्चन, अलग अलग 15 15 क्वेश्चन जो अलग अलग सेट में है, ये सभी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और देखिए एग्जाम है तो आपको टारगेट भी रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें, और ये वाला भाग जो होगा ये आसान भाग होगा, इसमें आपको लगभग 15 में अगर 13 से 14 क्वेश्चन भी आप चाहे तो कर सकते हैं, ठीक। तो इसको आपको अच्छा से टारगेट करना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व में गेहूं के सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो कौन सा देश है जो कि विश्व में सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक देश है? ये हो जाएगा चाइना, चीन। चीन जो है गेहूं और चावल दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ और मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। चाइना जो है ये सबसे ज़्यादा बाउंड्री बनाता है पूरे विश्व में अलग अलग देशों के साथ, जैसे कि अगर भारत में पूछे तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा बाउंड्री बनाता है पूरे भारत में। उत्तर प्रदेश और चाइना में बड़ा सिमिलरिटी कुछ कुछ देखने को मिलता है। देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश का जनसंख्या पूरे आपको भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, वैसे ही पूरे अगर विश्व में चाइना के पूछा जाए तो ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, ये याद रखिएगा। दूसरे स्थान पर भारत आता है जनसंख्या की दृष्टि से। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश पूछे तो वो कौन हो जाएगा? रूस हो जाएगा। और यहाँ पर याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान आता है ये 7वां स्थान पर आता है, ठीक। अब यहाँ पर मैं कुछ आपको जानकारी दे दूँ, कनाडा जो है इसका आपको जो तटीय रेखा है ये सबसे लंबा है, ठीक, ये याद रखिएगा। और कुछ मैं यहाँ पर जानकारी दे देता हूँ, जैसे भारत में अगर गेहूँ की बात करें तो गेहूँ का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? गेहूँ दूध दोनों का होता है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। और चावल का कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक। ये सब याद रखिएगा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध पलकनुमा पैलेस का घर है? पलकनुमा पैलेस का घर है ये प्रसिद्ध, आपको बताना है कौन सा है। ये आसमान की तरह या दर्पण का आसमान भी इसे कहा जाता है। ये आपको हैदराबाद में है, जहाँ पर 4 मीनार स्थित है, ये याद रखिएगा। हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों को जुड़वा शहर भी बोला जाता है, जो कि तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, ठीक, ये भी याद रखिएगा। और इसी के बीच में हैदराबाद और आपको जो आपको यहाँ पर सिकंदराबाद है उसी के बीच में आपको हुसैन सागर झील भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में किसने की थी? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना किए थे ये किए थे आपको 1916 के करीब आपको स्थापना इसका हुआ था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का, और ये मदन मोहन मालवीय एनी बेसेंट के साथ मिलकर किए थे, ठीक। तो मदन मोहन मालवीय हो जाएंगे। 3 के आंसर क्या हो जाएगा? 4। सर सैयद अहमद खां जो किए थे ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक, जो कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक है यूसुफ शाह चक, चक उसे बोलते हैं जहाँ पर आपको कश्मीर के राजा निवास करते हैं उसे चक बोला जाता है। तो यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वो बिहार में किस जगह पर दफन है ये आपको बताना है। तो ये बिहार में किस जगह पर दफन है? तो ये नालंदा में दफन है, ये याद रखिएगा, नालंदा में दफन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। देखिए, बिहार में टोटल आपको देखिएगा तो लोकसभा का 40 सीट है, राज्यसभा का 16 सीट है, विधानसभा के जो अभी 17वीं विधानसभा हुआ उसमें 243 सीट है, 243 पर हुआ, और यहाँ पर विधान परिषद का 75 सीट है, ठीक, ये भी याद रखिएगा। सबसे बड़ा जो अभी दल निकल कर आया था, जो 17वीं आपको विधानसभा का चुनाव हुआ था बिहार में, ठीक, अभी जो फिलहाल हुआ उसमें सबसे बड़ा जो RJD निकल कर आया, ठीक, ये याद रखिएगा। और सबसे अगर पूछे जाए उसके बाद तो BJP और उसके बाद नीतीश जी वाला पार्टी, ठीक, JDU। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपके 7वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं कौन? नीतीश कुमार जी, ये भी याद रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? 4 का आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिक द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो जो वेल्लोर विद्रोह हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? तो आपको 1806 में हुआ था। 5 का आंसर क्या हो जाएगा आपको? 3 हो जाएगा। अगला है कि क्वेश्चन देखिए 6 है कि किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि की? तो रणजीत सिंह के साथ मेटकॉफ ने संधि की थी, लॉर्ड मेटकॉफ ने, और ये जो संधि किया गया था ये कब किया गया था? तो ये किया गया था आपको याद रखिएगा 1809 में, 1809 में संधि किया गया था,
सिक्स के आंसर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको लगा लेना है सिक्स के आंसर फोर हो जाएगा। किसके किसके बीच में संधि हुआ था, तो एक तरफ से पंजाब के सिख राज्य के प्रमुख रणजीत सिंह थे और एक आपको टी मिटकॉफ था जो कि आपको कंपनी का प्रतिनिधित्व कर रहा था, ये आपको 1809 में ये हुआ था, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन है कि 1828 में ब्रह्म समाज जो है, जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना निम्नलिखित में किसके द्वारा की गई थी, तो जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना राजा राम मोहन द्वारा की गई थी, ये याद रखिएगा। किसके साथ, रविंद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर 1828 के करीब ये किए थे। और 1829 में ये भी याद रखिएगा कि सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था जिसमें सबसे बड़ा योगदान जो था राजा राम मोहन राय का था। और याद रखिएगा राजा राम मोहन राय सहायता किसको दिए थे, तलाड विलियम बेंटिंक को दिए थे जिन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था 1829 में, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन आपसे जो भी पूछेगा आराम से क्वेश्चन कर लेना है, तो सेवन के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट देखिए कि बिहार राज्य प्रवर्तन विकास निगम की टैगलाइन क्या है, तो बिहार राज्य पर्यटन विकास जो निगम है इसका टैगलाइन क्या है यह बताना है, तो इसका टैगलाइन है विलफुल बिहार, ये याद रखिएगा। इसका आपको टैगलाइन है जो कि आनंदित बिहार, ये विलफुल बिहार आपको आनंदित बिहार इसका इंग्लिश में ऐसा लिखा रहेगा। एट के आंसर क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है कि महात्मा गांधी को, देखिए बिहार दिवस अगर पूछे किस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि नौ, आपको क्वेश्चन नंबर नौ है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। देखिए संबोधित करने वाला मैं छोटा सा वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा इस वीडियो के बाद कि किनको कौन कौन क्या संबोधित किए थे, ठीक। तो यहाँ पर देखिए ये सुभाष चंद्र बोस जी संबोधित किए थे सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी को, यह याद रखिएगा, ठीक। तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, यहाँ पर याद रखिएगा, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो नौ के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको दस है कि एराविलकुलम या पेरियार दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये जो स्थित है ये आपको केरल में, पेरियार भी केरल में स्थित है और एराविलकुलम राष्ट्रीय उद्यान भी आपको यहीं पर केरल में ही स्थित है। असम में जो स्थित है मानस है, डब्रू सैकुआ है, ये सब काजीरंगा है जो कि जो गेंडा है आपको वन सिंह गेंडे के लिए ये जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। दस के आंसर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, यहाँ पर दस के आंसर थ्री हो जाएगा क्योंकि ये पूरा एराविलकुलम पूछ रहा है, ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कि तमिलनाडु के किस जिले में कलनई के नाम से जाने जाने वाला ग्रैंड एनिकट बांध जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है स्थित है, तो ग्रैंड एनिकट बांध कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो ये जो स्थित है ये आपको स्थित है यहाँ पर तिरुचिरापल्ली में स्थित है, तिरुचिरापल्ली में स्थित है, बहुत ये पुराना है, ये चोल राजा द्वारा बनाया गया था, चोल राजा कारिकल ने इसके बनाया था 100 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी तक, ये याद रखिएगा। ये दुनिया का सबसे चौथा पुराना जल डाइवर्सन या जल जो नियामक संरचना है, ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है कि बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था, ये मैं क्वेश्चन बिहार स्पेशल के जब कराया था क्वेश्चन तो उसमें कराया था कि 1929 में जो आपको किसान सभा का किया गया था ये सबसे बड़े किसान नेता स्वामी सहजानंद द्वारा किया गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये याद रखिएगा। तो 12 के आंसर तीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनो के नाम से भी जानी जाती है, उत्तर पिनाकिनो के नाम से भी जानी जाती है, ये कौन सी नदी है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 है तो इसका नाम है पेन्नार जो नदी है ये आपको उत्तर पिनाकिनो के नाम से भी जानी जाती है, ठीक, ये याद रखिएगा। कावेरी नदी है, जो कावेरी नदी किस नाम से जानी जाती है, तो ये दक्षिण की गंगा के नाम से जानी जाती है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है, देखिए खादर और बांगर, खादर पांगर क्या होता है, ये एक प्रकार की जलोढ़ मिट्टी है, पूरे भारत में अगर देखा जाए तो जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, मैं आपको जो मास्टर वीडियो भूगोल करा रहा था उसमें बताया था, ठीक। तो ये आपको जलोढ़ प्रकार की मिट्टी है, जो पुरानी मिट्टी होती है उसे हम लोग भांगर बोलते हैं और जो नई मिट्टी होती है उसे हम लोग खादर बोलते हैं, ठीक। और उसे आपको कभी नहीं कन्फ्यूजन होना चाहिए काली मिट्टी से, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 15 है कि तनामी रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में है, जो तनामी रेगिस्तान है ये निम्नलिखित में से किस देश में है ये आपको बताना है, ठीक। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देता है तो क्वेश्चन को आपको ये नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन हमसे नहीं आ रहा है, नहीं, क्वेश्चन आपको ये सब आना चाहिए, प्रैक्टिस कर जाइएगा तो जरूर आएगा। तो जो तनामी रेगिस्तान है ये आपको किस राज्य में स्थित, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये याद रखिएगा, तनामी रेगिस्तान। तो यहाँ पर हो जाएगा थ्री, ठीक, 15 के आंसर क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। आगे चलते हैं, जो अगर पूछे कि विश्व के सबसे बड़ा रेगिस्तान जो हो जाएगा सहारा रेगिस्तान हो जाएगा, और भारत के सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा, थार रेगिस्तान हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान वाला क्षेत्र में पड़ता है, ठीक। आगे चलते हैं,
अब देखिए ये सेट नंबर टू का सामान्य ज्ञान है, सेट वन का आपका 15 क्वेश्चन खत्म हो गया, सेट टू का सामान्य ज्ञान यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको करा रहा हूँ, ठीक। तो इससे आपत्ति मत कीजिएगा। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम मेंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है, तो मेंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो है ये आपको आया था 1919 का अधिनियम आधारित है, 1919 का अधिनियम आधारित है ये याद रखिएगा। मार्लो मिंटो जो सुधार आया था ये आपको 1909 में आया था, ये इस पर आधारित है, ये भी याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछता है, ठीक, पहले कैंसर क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए, क्वेश्चन नंबर टू देखिए, क्वेश्चन नंबर टू है कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो मैंने ये क्वेश्चन कराया था ज्योग्राफी में कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा पड़ता है उसे क्या बोलता है, रेडक्लिफ बोला जाता है, और सिरिल रेडक्लिफ ने 15 अगस्त 1947 को ये रेखा खींचा गया था, तो ये याद रखिएगा रेडक्लिफ रेखा है जो कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन जो गवर्नर थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, उनके द्वारा ये भारत पाकिस्तान के बीच सीमा आयोग के अध्यक्ष बनाया गया था, किसे, सिरिल रेड क्लिफ, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो रेड क्लिफ रेखा है, ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर तीन है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर तक है, ये भी ज्योग्राफी के मास्टर वीडियो में मैंने कराया है, तो मैंने बोला ना कि ज्योग्राफी का अगर मास्टर वीडियो देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि ये आपको अक्षांशीय विस्तार पूछ रहा है, तो अक्षांशीय विस्तार क्या हो जाएगा, 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये याद रखिएगा, 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है, ये याद रखिएगा। अगर आपसे देशांतरीय विस्तार पूछे तो ये आपको बता देना है, ठीक। यहाँ पर देशांतरीय विस्तार पूछे तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक आपको देशांतरीय विस्तार होता है, ठीक। भारत जो पड़ता है ना, भारत मैंने क्या बताया था कल जब आपको मास्टर वीडियो ज्योग्राफी करा रहा था, ये आपको उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, मीन्स कि यहाँ पर आपको उत्तरी हो जाएगा ऊपर और यहाँ पर इधर से पूर्वी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर फोर है कि अलवर्दी को किस वर्ष बिहार के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया, जो अलवर्दी है इसे कब बिहार के डिप्टी गवर्नर, अलवर्दी खान जो था ना बंगाल के नवाब, इसे आपको कब यहाँ पर बोल रहा है कि बिहार के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया, ये आपको बताना है। इसको नियुक्त किया गया 1733 में, ये याद रखिएगा 1733 में, और अलवर्दी खान ने खान जो है बंगाल के नवाब बना था कब, 1740 से लेकर 1756 तक था, ये भी याद रखिएगा, ठीक। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है कि मेघालय का पठार का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मेघालय के पठार, देखिए मेघालय का पठार पूछ रहा है तो मेघालय के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है ये आपको बताना है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है जो कि 1965 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, एक शिलोंग पिक के नाम से जानी जाती है, शिलोंग मेघालय की राजधानी कहाँ है, शिलोंग, ठीक, यही शिलोंग पिक के नाम से जानी जाती है, ये याद रखिएगा। और अब से ये पूछे कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो ये माउंट आबू, आपको गुरु शिखर के नाम से माउंट आबू दिलवाड़ा के जैन मंदिर वहीं पर स्थित है, वो भी याद रखिएगा। और अगर आपको पूछे कि एवरेस्ट की सबसे, आपको जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो एवरेस्ट होगा माउंट एवरेस्ट 8848, अभी जो उसका हाइट हो गया है 8848.86 हो गया है मीटर में, ठीक, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि भूटिया जनजाति को जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है, तो भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, साफ साफ क्वेश्चन ये पूछ देता है। तो भूटिया जनजाति जो है ये तिब्बती वंश के लोगों का एक समुदाय है जो मुख्य रूप से भारतीय राज्य के सिक्किम में केंद्रित है, तक सिक्किम ये पाई जाती है, ये याद रखिएगा, सिक्किम में पाई जाती है। सिक्किम जो है ये आपको जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है, गोवा है, ये भी याद रखिएगा। और आपको जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, बिहार, दुर्गम क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व है और बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, ये भी याद रखिएगा। सेवन है कि आंध्र प्रदेश के निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है, तो आंध्र प्रदेश का वो कौन सा क्षेत्र है जो कि सक्रिय रूप से पेट्रोलियम उत्पादन से जुड़ा हुआ है, ये आपको बताना है। तो ये कौन सा है, तो ये एक बेसिन है, कौन सा बेसिन है, तो गोदावरी बेसिन है, ठीक, यहाँ पर देखिए माफ कीजिएगा, हाँ, कृष्ण गोदावरी बेसिन, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा बी, कृष्ण गोदावरी बेसिन। दो नदी का याद नाम रखिएगा, एक आपको नर्मदा ताप्ती नदी जो कि आपको पश्चिम की तरफ जाकर बहती है और जाकर अरब सागर में गिरती है, ये क्वेश्चन पूछेगा पक्का, इसे बीबीआई लगा लीजिएगा, ठीक, ऐसे मैं आपको मास्टर वीडियो में भी ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। बरौनी याद रखिएगा, बरौनी जो है तेल शोधक कारखाना है, यहाँ पर आपको तेल शोधक में आपको जाना था, रिफाइनरी है तेल वाला, वो बरौनी बिहार में स्थित है, और वो किस जिला में पड़ता है, तो ये याद रखिएगा, बेगूसराय जिला में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर आठ है कि निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी भू आकृति खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है, तो कौन सी अपनी झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करती, इसमें से भू आकृति का नाम बताना है। तो वो जो भू आकृति है वो है आपका मिथिला मैदान, मिथिला मैदान का झारखंड के साथ कोई आपको आपको सीमा साझा नहीं है, ठीक। तो एट का आंसर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है कि यूरोप के उच्चतम जो मिथिला है ना, मिथिला एक भाषा भी है, ठीक, मिथिला जो भाषा है ये आपको आठवीं अनुसूची में जो 22 भाषा का उल्लेख है उसमें मिथिला भी है, ठीक, मैथिली भाषा, ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नौ है कि यूरोप के उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्बरस कहाँ स्थित है, जो माउंट एल्बरस है ये कहाँ पर है, जो कि आपको उच्चतम पर्वतों शिखरों में से ये भी एक पर्वत शिखर है, तो माउंट एल्बरस जो स्थित है ये आपको जॉर्जिया के साथ सीमा के पास दक्षिणी रूस के काकेशस पर्वत का एक सुप्त ज्वालामुखी है, ठीक,
और ये यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। तो ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है, तो ये जो स्थित है ये रूस में स्थित है, याद रखिएगा रूस में स्थित है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो आपको याद रखिएगा जो रूस है, इसके जो आपको अगर पूछेगा कि आपको जो यूरोप है और एशिया को कौन अलग करता है, तो यूराल जो है ना पर्वतमाला वो अलग करता है, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 10 के, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक भाग में उल्लिखित है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान है। ये आर्टिकल 51 पढ़ रहे हैं ना, आर्टिकल 51 पढ़िएगा तो उसमें DPSP पढ़िएगा, ठीक वही आपको है। ठीक, तो ये याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा, DPSP जो लिया गया है राज्य के नीतिगत तत्व, ये संविधान के भाग 4 में होगा आप देखिएगा तो, और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन है, ये भी याद रखिएगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं, आगे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 के, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के नियुक्ति पदाधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है, भारत के राज्यपाल, देखिए भारत की जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है ये आपको संविधान के मास्टर वीडियो, दो दो मास्टर वीडियो में दे चुका हूँ, उसमें आप देखिएगा कि ये कौन करता है, तो ये राष्ट्रपति करते हैं, कौन करता है तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, और हटा भी कौन सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं। देखिए राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष कम से कम आयु चाहिए, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष कम से कम आयु चाहिए, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु चाहिए। बिहार के राज्यपाल का नाम याद कर जाइएगा क्योंकि क्वेश्चन पूछ देता है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि गंगा नदी का दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में किसके संबंध है, जो दियारा भूमि है यहाँ पर देखिए, दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित से किससे संबंधित है, जो गंगा भूमि का दियारा शब्द है, यह दिया शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है मिट्टी का दीपक। ठीक, ये याद रखिएगा, यह दिया शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मिट्टी का दीपक, वैसे ही दिखाई देता है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर आपको क्या होता है कि मौसम में बारिश के पानी इतना जम जाता है कि नदी के किनारे के जो तटबंध होते हैं ये आपको टूट जाते हैं, और यहाँ पर देखिएगा कि छोटे कटोरे दिए की तरह दिखाई देने लगता है, अब देखिएगा चारों तरफ से इसे कट जाएंगे तो बीच वाला बच जाएगा, तो इसे दिए की तरह दिखाई देने लगेगा, इसलिए दियारा क्षेत्र कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, इसमें से बताना है कौन सा कथन गलत है। ठीक, यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा कौन सा कथन गलत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन करता है, बहुत सही बात है, ये तो सही बात है, आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, बहुत ही सही बात है, ये भी सही बात है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, महाभियोग प्रस्ताव सदन के कुल सदस्यता के 2/3 से अधिक बहुमत पारित किया जा सकता है। तो यहां पर देखिए ये आपको देखना है कि ये क्या पूछ रहा है कि जो महाभियोग लगाएगा 2/3 बहुमत से अधिक, अब सही बात है, राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जाता है, नहीं संविधान के अतिक्रमण के लिए या उल्लंघन के लिए चलाया जाता है, या राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए नहीं चलाया जाता है। ठीक, तो इसका ये जो होगा डी वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है, कौन सी घाटी है जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में नहीं स्थित है, ये आपको बताना है। ये जो घाटी है अराकू घाटी है, अराकू घाटी है जो कि हिमालय पर्वत श्रृंखला में नहीं है, बाकी आपको देखिएगा कश्मीर घाटी या केरवा घाटी ये भी है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और कुल्लू भी है, दन है या दून घाटी जिसे बोला जाता है, जैसे देहरादून अलग अलग दून जो बसे हुआ है ये भी है, और नेपाल के काठमांडू घाटी भी है। ठीक, तो ऐसे याद रखिएगा ये अराक घाटू नहीं, अराकू जो कि हिमालय के पर्वत श्रृंखला में नहीं है। ठीक, 4 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माफ कीजिएगा 14 का आंसर 4 हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है कि स्वतंत्र भारत के किसी राज्य के प्रथम महिला राज्यपाल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, तो देखिए महिला राज्यपाल का नाम आता है तो आंख मूंद कर आपको क्या लगाना चाहिए, आंख मूंद कर नहीं आंख खोल कर लगाना चाहिए सरोजनी नायडू, और अगर महिला आपको मुख्यमंत्री सबसे पहले आता है तो वो भी लगाना चाहिए कौन, सुचिता कृपलानी, और वो दोनों किस किस राज्य के बनी थी, तो वो आपको उत्तर प्रदेश के बनी थी, ये याद रखिएगा। दोनों दोनों अगर ऐसे पूछे कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री तो सुचिता कृपलानी, अगर ऐसे पूछे कि आपको उत्तर प्रदेश की पहली महिला आपको राज्यपाल तो आपको सरोजिनी नायडू, तो ऐसे कर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ कि जो भी आपसे पूछता है कि जो आपको सरोजिनी नायडू थी ये प्रथम भारतीय थी जो कि कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनी थी, ये भी याद रखिएगा कब बनी थी, तो 1925 में बनी थी, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। और आपसे पूछे कि सबसे पहला कांग्रेस अध्यक्ष कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट बनी थी जो कि 1917 में बनी थी, ये भी पूछता है, लेकिन वो भारतीय नहीं थी, तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, प्रथम महिला राज्यपाल जो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल होगी यहाँ पर। अब भारत की प्रथम महिला शासिका पूछे तो रजिया सुल्तान लगाइएगा, ठीक, इल्तुतमिश की बेटी जो थी, 15 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये पार्ट, अब सेट 3 यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक, सेट 3 जिसमें 1 से लेकर 15 क्वेश्चन होगा, सेट 3 यहाँ से स्टार्ट है, टोटल आप अब इसमें 5 सेट कराने वाला हूँ, और बार बार लोग बोलते हैं कि सर साइंस करा दीजिए साइंस करा दीजिए, तो इंतजार कीजिए आज इवनिंग में बायोलॉजी का 2 मास्टर वीडियो मिलेगा आपको, पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों आज ही मिलेगा, इसका मैं आपको दावा कर रहा हूँ, और आपके साथ आपको मैं ये पूरा विश्वास दिला रहा हूँ कि बायोलॉजी का आपको जो मिलेगा उसमें 8 से 10 क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक, बायोलॉजी का मास्टर वीडियो आज मिल जाएगा, फॉरेस्ट गार्ड फॉरेस्टर दोनों के लिए उपयोगी होगा। यहाँ पर देखिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है, तो सबसे पहले अलाई दरवाजा बनाया किसके द्वारा गया है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, इस बार दरोगा मुख्य परीक्षा में यह क्वेश्चन दिया गया था कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दिया गया था, जो अलाउद्दीन खिलजी है
घोड़े दागने की प्रथा स्टार्ट किया था, कैंटीन व्यवस्था स्टार्ट किया गया था, और जो आपको सैनिक के आपको रखने का व्यवस्था, आपको एक तरफ से आपको ज़्यादा मात्रा में सैनिक रखते थे अलाउद्दीन खिलजी, और इसे भारत के द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ये याद रखिएगा। विश्व विजेता ये भी बनने चले थे, लेकिन इनके दोस्त मना कर दिए थे तो वो त्याग दिए थे वो जिद, नहीं तो ये भी विश्व विजेता के राह पर चल दिए थे। तो ऐसे अगर क्वेश्चन पूछता है तो मैं आपको टोटल अलाउद्दीन खिलजी से रिलेटेड मैं आपको करा दूंगा, आपको करा भी दिया हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाइए, आपको देखिए वीडियो अपलोड है कि दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी या कोई भी सल्तनत को, कोई भी आपको क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा अगर देखते हैं तो। ठीक, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले अलाई दरवाजा किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था। ठीक, ये याद रखिएगा अगर क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अलाई दरवाजा स्थित कहाँ है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ये पूछ रहा है कि अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है। जो भारत में अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया था ये कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो ये जो स्थित है, ये आपको स्थित है नई दिल्ली में। ठीक, ये याद रखिएगा, नई दिल्ली में स्थित है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा नई दिल्ली में स्थित है। ठीक, ये कुतुब मीनार के परिसर के भीतर कुबले उल इस्लाम मस्जिद दक्षिण छोर पर स्थित मुख्य प्रवेश द्वार है, उसी को अलाई दरवाजा है। ठीक, ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो। आगे चलते हैं, क्वेश्चन श्रीरंगपट्टनम की ऐतिहासिक शहर जिसे, श्रीरंगपट्टनम की संधि के बारे में भी पूछ सकता है। ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली के कब्रों का घर माना जाता है, वो निम्नलिखित में किस राज्य में है। बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है, या किस, ये पूछ रहा है किस शहर से लगभग दूर है, राज्य नहीं, राज्य तो आप बता दीजिएगा, किस शहर से लगभग दूर है ये आपको बताना है। तो ये दूर है मैसूर से, ये मैसूर के भी शासक थे ना टीपू सुल्तान, या आपको हैदर अली के पिता कौन थे, तो टीपू सुल्तान थे, जो कि आपको इनका मृत्यु हुआ था लास्ट वाला जो युद्ध हुआ था। ठीक, उसमें युद्ध में इनका मृत्यु हुआ था, तो ये याद रखिएगा। तो जो श्रीरंगपट्टनम का स्मारक है इसके, इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी नामित किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा हुआ था कि किस युद्ध में आपको टीपू सुल्तान मारा जाता है। ठीक, किस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है ये आपसे पूछा गया था। तो ये चतुर्थ जो आंग्ल चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ना, कब हुआ था, 1799 में, उसमें यह मारा गया था। ठीक, ये याद रखिएगा, और ये अंतिम और निर्णायक युद्ध माना जाता था, और उसमें आपको टीपू सुल्तान मारा जाता है, श्रीरंगपट्टनम में हुआ था ये। तो यहाँ से याद रखिएगा, ये जो हो जाएगा ना, ये किससे दूर है, तो दूसरे के आंसर हो जाएगा ये मैसूर से 15 किलोमीटर दूर है। ठीक, श्रीरंगपट्टनम के ऐतिहासिक शहर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929। देखिए, बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 से रिलेटेड आज जब फॉरेस्ट गार्ड का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा था, तीस वाला, तीसरा अब जो सीट दे रहा था, उसमें भी ये क्वेश्चन था, इसकी ये कौन अन्य नाम से जाना जाता है। ठीक, ये कौन अन्य नाम से जाना जाता है, तो मैंने बताया था कि उसमें लड़की का 14 वर्ष उम्र निर्धारित किया गया था इरविन द्वारा, और 18 वर्ष निर्धारित किया गया था लड़कों का। ठीक, और ये जो है ये नाम जाना जाता है, ये किस नाम जानता है, शारदा अधिनियम के, शारदा अधिनियम याद रखिएगा, ये आपको सितंबर 1929 में आया था और 30 से लागू हो चुका था। ठीक, तो तीसरे के आंसर क्या हो जाएगा, ये लॉर्ड इरविन उस समय आपको गवर्नर थे, या वायसराय बोल सकते हैं, 3 के आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बिहार में गंगा नदी में मिलने वाले सोन नदी का उद्गम स्थल है। तो बिहार में जो गंगा नदी में मिलता है सोन, सोन सोन के किनारे कौन है, डिहरी स्थित है, तो ये बताइएगा कि ये उद्गम स्थल सोन का कहाँ है। तो सोन का जो उद्गम स्थल है ये आपको अमरकंटक पठार पड़ेगा, अमरकंटक, देखिएगा अमरकंटक जो है ना, ये पठार मान लीजिए अमरकंटक है, तो उत्तर की तरफ कौन जाता है, सोन जाता है, ये पश्चिम की तरफ कौन जाता है, रिफ्ट वैली से उत्तर नर्मदा जाता है, ये याद रखिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि उत्तर से पूछेगा उत्तर कौन जाएगा, इससे 3 नदियाँ निकलती हैं अमरकंटक से, ये भी याद रखिएगा, 3 नदियाँ निकलती है और यहाँ से आपको निकलती हुई जाता है, तो ये सब आपको याद रखना चाहिए। और ये जाकर आपको कहाँ पर, तो पटना के निकट थोड़ा पीछे आपको या कहाँ मिल जाता है, तो गंगा में जाकर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ग्रीनविच मीन टाइम ग्लोब पर टाइम जोन की शुरुआत का प्रतीक है, और किसी भी देश में के समय GMT के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या मापने का समय है। ग्रीनविच निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है, मैंने आपको बताया था मास्टर वीडियो में भी, जो ग्रीनविच है हमारी, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा टाइमलाइन आगे है भारत का। ठीक, तो ग्रीनविच जो है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो ग्रेट ब्रिटेन से पार होता है, इसकी लंदन से पार होता है। ठीक, कहाँ से, लंदन से पार होता है। ठीक, यह याद रखिएगा, और यहीं से 5.5 घंटा मीन्स की 82.5 डिग्री पर हमारा टाइमलाइन है, जो कि इलाहाबाद के नैनी या मिर्ज़ापुर से पार होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये 5.5 घंटा आगे है, मीन्स की पूरब है, सबसे पहले हम लोग के यहाँ सूरज निकलेगा, फिर जाकर लंदन में निकलेगा 5.5 घंटा बाद। ठीक, तो ऐसे कर याद रखिएगा, ये लंदन से है ग्रीनविच, ग्रीनविच कहाँ है, लंदन में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है कि चेलना, यहाँ पर देखिए चोलाना, चोलाइकन, कुरुम्बा, कोटाइनाइकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति है। ये आपको कोरगा तो सुने होंगे, कुरुम्बा भी सुने होंगे,
लेकिन ये दो नाम जो है ना, ये थोड़ा अजीब नाम दे दिया है, ठीक। तो ये जो है ये चोल नाइकन और कुट नाइकन, चोल नाइकन कुट नाइकन, अब नाम याद हो गया, ठीक। ये जो है दक्षिण केरल राज्य के है। ये आपको किस राज्य की जनजाति है? दक्षिण केरल राज्य की जनजाति है। ये आपको साइलेंट वैली जो है ना, नेशनल पार्क, वहीं में निवास करती है। तो ये भी साइलेंट, जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, वो भी आपको कहाँ पर है? केरल में है, ठीक। तो ये सब याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। ये आपको ज़्यादातर दक्षिण में ये आपको सभी जनजाति मिलेगी आपको, ये सब कुरुम्बा तो आपको कर्नाटक में भी मिलता है। तो यही बोले ये कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में ये पाए जाते हैं जनजाति, ठीक। तो ये याद रखिएगा, सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? केरल। केरल देखिए मसालों के लिए जाना जाता है, सबसे ज़्यादा मसाला काजू यहीं पर होता है, आपको लौंग होता है, और केरल में नारियल भी सबसे ज़्यादा होता है, केरल के लिंगा अनुपात भी सबसे ज़्यादा है, और साक्षरता दृष्टि से सबसे ज़्यादा केरल ही है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है ट्राफलगर। यहाँ पर देखिए ट्राफलगर जो है, ये ट्राफलगर स्क्वायर जो है विश्व के किस शहर में स्थित है? ये आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये जो स्थित है, ये आपको बताना है कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है लंदन में। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति, संख्यात्मक रूप से मिश्रित जनसंख्या के हिसाब से ये बताना है कि बिहार की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो ये बताइए बिहार की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये देखिए संथाल एक जाति समूह है जो कि नेपाल और भारतीय राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार में भी कुछ निवास करती हैं, उड़ीसा के भी मूल निवासी हैं। तो अभी ये पूछा जाए तो यही हो जाएगा आंसर, यहाँ पर संथाल ही होगा, ठीक। इसमें से चारों ऑप्शन में तो संथाल ही है, क्योंकि बिहार के कुछ जनजाति अभी संथाल है जो बिहार में भी है, झारखंड में ज़्यादातर चल गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित पुरस्कारों में कौन सा पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया और अक्सर इसे गणित का नोबल पुरस्कार कहा जाता है? तो गणित का नोबल पुरस्कार किसे कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसे एबल प्राइज के नाम से जाना जाता है, जो कि गणित के नोबल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, ठीक। इस साल का नोबल पुरस्कार जिसको जिसको मिला है याद कर चले जाइएगा, छः भाग में, छः क्षेत्र में जो नोबल पुरस्कार मिलता है उसे याद कर लीजिएगा। 1901 से ये नोबल पुरस्कार मिल रहा है। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था 1913 में गीतांजलि के लिए नोबल पुरस्कार। और यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि नोबल पुरस्कार जरूर पढ़ कर जाइएगा, 1 से 2 क्वेश्चन भी आता है, अगर पढ़ कर जाते कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है कि भारत के किसी राज्य के राज्यपाल की पद के आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों तक होती है? तो आधिकारिक जो आपका कार्यकाल होता है, ये राज्यपाल का भी 5 वर्ष का, आपको उपराष्ट्रपति का भी 5 वर्ष का, राष्ट्रपति का भी 5 वर्ष का, ठीक। ये प्रधानमंत्री का भी 5 वर्ष का, ठीक, मुख्यमंत्री का भी 5 वर्ष का, ये 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 हो जाएगा, इसकी 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। किसके लिए? तो आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र दोनों का नया साल चैत्र महीने से। ऐसे आप देखिएगा ना, शक संवत का जो महीना शुरुआत होता है ये चैत्र से ही होता है। तो ये पूछ सकता है ना कि हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो वो हम लोग का राष्ट्रीय कैलेंडर जो आधारित है वो शक संवत पर आधारित है, और उसका पहला महीना जो है ये चैत्र ही है। आंध्र प्रदेश इसे युगादि कहता है, आंध्र प्रदेश इसे उगादि कहा जाता है, इसे महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है? आंध्र प्रदेश में चैत्र महीने को उगादि कहा जाता है, और महाराष्ट्र में चैत्र महीना को किस नाम से जाना जाता है ये आपको बताना है। तो महाराष्ट्र में इसको नाम से जाना जाता है किसको? तो गुड़ी पड़वा, गुड़ी पड़वा नाम से जाना जाता है। अजीब अजीब नाम है भैया, याद करने में ही लोग मर जाएगा, ठीक। तो ये जो आपको महाराष्ट्र में ये नाम से जाना जाता है, ये किस नाम से जाना जाता है? तो गुड़ी पड़वा, ठीक, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा है गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का नया साल है जिसे महाराष्ट्र में कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में किसके किनारे या पास जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? तो बिहार सरकार की जो ऑर्गेनिक कॉरिडोर है ना, इसके तहत निम्नलिखित में किसके किनारे या पास में जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा ये आपको बताना है। तो जैविक कृषि को जो बढ़ावा दिया जाएगा ये दिया जाएगा आपको गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी ये भारत की सबसे लंबी नदी है, और बिहार में भी पूछे तो लंबी ही है, ये याद रखिएगा, ठीक। और बिहार में किस जिला में सबसे ज़्यादा लंबी बहती है? तो पटना जिले, उसके बाद भागलपुर जिले में। तो ये सब आपको याद रखना है गंगा नदी के बारे में। ये गंगा नदी जो है ये पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन 13 देख लेते हैं सामने आप। क्वेश्चन 13 देखिए कि दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वो निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो ये जो स्थित है अभी, ये आपको कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। कहाँ पर? कुतुब मीनार परिसर में स्थित है, ठीक। ये भी याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक। तो ये आपको 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये कुतुब मीनार परिसर में अभी स्थित है दिल्ली के जो लौह स्तंभ है। माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय इसे बनाए थे, ये भी याद रखिएगा। अभी तक इसमें कोई जंग नहीं लगा है, ये बहुत आपको प्राचीन है, ये याद रखिएगा, बहुत प्राचीन है। चंद्रगुप्त द्वितीय माना जाता है ये बनाए थे, और ये दिल्ली के मोहरौली के कुतुब मीनार परिसर में रखा गया है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है,
उस राज्य का ये सबसे दूसरा बड़ा बांध है। तो सबसे पहले उकाई बांध किस राज्य में स्थित है यही आपको बताना है। तो ये तापी नदी पर बना है उकाई बांध, और ये गुजरात में स्थित है। ये गुजरात में सबसे बड़ा जलाशय भी है, इसे बल्लभ सागर के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्थापना जो निर्मित किया गया था 1972 में किया गया था, ये याद रखिएगा। तो गुजरात, अब देखिएगा तो गुजरात में आते ही आपको ये याद आना चाहिए कि यहाँ पर बादाम जो होता है, जो मूंगफली जिसे बोला जाता है, बादाम नहीं मूंगफली, वहाँ उत्पादन गुजरात में सबसे ज़्यादा होता है। और गुजरात का जो लोथल है, लोथल बंदरगाह है, ये गुजरात में ही पाया जाता है, भोगवा नदी के किनारे, जो कि सिंधु घाटी बंदरगाह है। और गुजरात का तट रेखा सबसे लंबा है। मैंने जब मास्टर ज्योग्राफी जब कराया था तब कराया था कि गुजरात का जो तट रेखा वाला लंबाई है सबसे लंबा है पूरे राज्यों में। उसके बाद आंध्र प्रदेश का नाम आता है, उड़ीसा का नाम आता है। तो इसके लिए एक झील है, खारे पानी की झील, जो लैगून झील है, आपको चिल्का ये नाम आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है और लास्ट क्वेश्चन ये इस सेट का है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुत महत्वपूर्ण, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है? संस्कृत आधारित जो है आदर्श वाक्य है कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये किसका है ये आपको बताना है। तो ये ऑल इंडिया रेडियो का आदर्श वाक्य है, बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय। ठीक, ये याद रखिएगा, जो कि ये है ऑल इंडिया रेडियो, एक राष्ट्रीय सार्वजनिक सेवा का प्रसारक है, जिसका शुरुआत किया गया था 1930 में, ये भी याद रखिएगा। तो ऑल इंडिया रेडियो हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, ये अब यहाँ से सेट चार स्टार्ट होता है, सेट चार का समान भाग स्टार्ट होता है। मैंने बोला ना आज आपको सेट 1 से लेकर 5 तक करा दूंगा, और फिर आपको कल तक मैं आपको 5 से लेकर 10 तक करा दूंगा, या हो सके तो आज भी रात में समय मिले तो मैं करा दूंगा आपको। तो आप चिंता मत कीजिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना जल्दी हो सके और जितना कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करा दूँ, लेकिन मेरे पास भी समय बचना चाहिए क्योंकि आज बायोलॉजी का भी मास्टर वीडियो बनाना है, और एक पार्ट मैं बनाकर अपलोड कर चुका हूँ, अपलोड हो रहा है, और दूसरा पार्ट अभी बनाना है। ठीक, तो दूसरा पार्ट बनाने में कुछ समय लगेगा, लेकिन दूसरा पार्ट भी मैं आज ही दे दूँगा। और आपको पता है कि इस समय जाड़े के दिन चल रहा है, गला में खांसी हो रहा है, काफ़ी खांसी सर्दी है, फिर भी इसमें आपको मेंटेन करते हुए मैं बना देता हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ से है कि उस भारतीय प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया था। तो मंडल आयोग जब आया भी था ना, ये आरक्षण से संबंधित है। तो ये आपको सबसे पहले जो कहा गया था, ये किसके द्वारा कहा गया था? तो बीपी सिंह, और लागू भी किए थे कौन? बीपी सिंह ही। ठीक, ये याद रखिएगा। तो पहले के आंसर 2 हो जाएगा। ठीक, देखिए, मोरारजी देसाई के सरकार में यह सबसे पहले कहा गया था कि सीट आरक्षण और कोटा के सवाल विचार करने के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु मंडल आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये पिछड़े वर्ग की पहचान हेतु की गई थी। इसने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण कोटा सिफारिश की। ठीक, ये याद रखिएगा। नौकरियों में भी, और अलग अलग जो एडमिशन होते हैं आपको नौकरियों में, ये आपको कितना था? 27% जितना अभी है ओबीसी का। और ये लागू जो किए थे, ये बीपी सिंह किए थे, और ये आपको कहे थे कि मैं लागू कर दूंगा। ठीक, और मंडल आयोग के जो अध्यक्षता किए थे, ये बीपी मंडल किए थे, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीपीसी। चलते हैं आगे, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो ये दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 में कोलाचल की जो लड़ाई हुआ था उसमें डच इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजित किया था। ये जो किया गया था, ये मार्तंड वर्मा द्वारा किया गया था, मार्तंड वर्मा द्वारा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, कोलाचल की लड़ाई 1741 में हुई थी तरवनकोर और के डच राजा के दौरान, भारतीय रियासत तरवनकोर और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। ठीक, तो इसे याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि मुगल वंश के पहले सम्राट जो अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्किक में अपनी आत्मकथा लिखी है, इस पुस्तक का क्या नाम है? ये देखिए, इसमें तीन तीन क्वेश्चन आपको आ गया, तीन तीन क्वेश्चन क्या हुआ? तो देखिए, सबसे पहले मुगल वंश के जो प्रथम शासक पूछ दिया, तो यहाँ पर आपको दे दिया बाबर। बाबर जो है ये सबसे पहला मुगल शासक है जो कि यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना किया था भारत में, जो कि पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था ना आपको, कब हुआ था? तो 1526 में। द्वितीय कब हुआ था? तो 1556 में। तृतीय कब हुआ था? 1761 में। ठीक, तो तीनों पूछता है पानीपत के युद्ध, डेट याद रखिएगा। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो 1526 में इब्राहिम लोधी को यहाँ पर हराकर बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में यहाँ पर मुगल वंश की स्थापना की थी। और बाबर ने एक बुक भी लिखा था, बाबरनामा, जो कि तुर्की में है, तुर्क में है, बाबरनामा, नामा मिस होता है तुर्क। तो ये बाबरनामा जो है, ये आपको बाबर की जीवनी है, ये याद रखिएगा। तो 3 आंसर क्या हो जाएगा यहां पर? बाबर मुबारक। इस देखिए, इसमें दे रहा है कि बाबर ने अपने पिता के तैमूर वंशज, मां की ओर से चंगेज का वंशज था, अपनी जिमी बाबरनामा के में लिखी, जिसे ताजुके बाबरी के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो यहां पर बाबरनामा होगा। ये देखिए, इसमें जो आंसर दिया है गलत दिया है, क्योंकि आप बुक से पढ़ते हैं तो कुछ आंसर गलत देता है, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा हूँ कि गलत नहीं मारकर आपको आ जाना है। यहाँ पर क्या दे रहा है? इस पुस्तक का नाम है तो बाबरनामा नाम है। ठीक, ये याद रखिएगा, या ताजुके ए बाबरी भी इसे बोला जाता है। ठीक, और इसमें ये क्वेश्चन क्या है? अपनी आत्मकथा लिखी, हाँ यही है। बाबरनामा इस्लामी साहित्य की पहली वास्तविक आत्मकथा भी मानी जाती है। ठीक, और बाबरनामा चगताई तुर्की में लिखा गया है, जो कि बाबर की
मातृभाषा भी बोला जाता है, ठीक, ये याद रखिएगा। इसके विपरीत जो जहांगीरनामा आया है या तजुके जहांगीरी, ये फारसी में लिखी गई है, ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई। तो कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई आपको बताना है। तो कपिलांश धातु उद्योग उच्च गुणवत्ता वाले कास्ट आयरन आर्थिक इलेक्ट्रोड का निर्माण और निर्यात करता है। यह नागपुर में महाराष्ट्र में स्थित है। नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में थी और यह नागपुर में स्थित है, ठीक, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई, तो ये बक्सर जिला के राजपुर में हुई, ठीक, ये आपको याद रखना है, बक्सर जिला के राजपुर में, अभी बिहार में ये पूछ रहा है, तो ये हुई है, ठीक। और कपिलांश कहाँ पर है, तो ये नागपुर में स्थित है। ये पूछ रहा है कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये आपको कपिलांश एक धातु होता है, ठीक, जो उच्च गुणवत्ता वाले कास्ट आयरन होता है, ठीक, इसका निर्माण और निर्यात करता है आपको कौन, तो नागपुर के महाराष्ट्र में स्थित है और ये बक्सर जिलों में रायपुर में स्थापित किया गया था, ठीक, बक्सर जिले के रायपुर में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो कि भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक था। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिंबिसार के दरबार में चिकित्सक था जो कि भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक कहे जाते थे, ये कौन थे, ये आपको बताना है। तो इनका नाम क्या है, जीवक, ठीक, ये याद रखिएगा। ये आपको बिंबिसार जो राजा हैं इनके निजी चिकित्सक थे, जीवक, ठीक। तो ये 5 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यहाँ पर आपको 3 हो जाएगा, ठीक, ये याद रखिएगा। जो महात्मा बुद्ध है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था और पहला अपना जो उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध जिसे बोला जाता है, ये आपको सारनाथ में दिए थे, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन भी बोला जाता है, ठीक। जन्म हुआ था आपको लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, लुम्बिनी में हुआ था। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी कविता अमार सुनार बंगला, अमार सुनार बंगला, ये जो है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, ठीक। तो इस निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है, ये निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है 6 का, ठीक, तो ये आपको बताना है। तो ये टैगोर की पहली कविता थी, सही, इस कविता के बाद बांग्लादेश ने अपने राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यहाँ पर देखिए ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है कथन, ठीक, तो ये पहली कविता नहीं थी, ये आपको बहुत से कविता इससे पहले लिखे थे। इस कविता के बाद बांग्लादेश ने इसे अपना राष्ट्रगान, हाँ, बांग्लादेश जब राष्ट्रगान के रूप में इसे अमार सुनार बंगला अपनाया था, जब बांग्लादेश, देखिए जब भारत था ना, तो भारत आज़ाद हुआ था ना, तो इसे पूर्वी पाकिस्तान था, पश्चिमी, इधर जो बांग्लादेश है ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, ठीक, ये याद रखिएगा, मैं यहाँ पर बताता हूँ, ठीक। ये जो बांग्लादेश इधर है ये पूर्वी पाकिस्तान और इधर वाला जो क्षेत्र है पश्चिमी पाकिस्तान, लेकिन 1971 के युद्ध में बांग्लादेश ने अपना आज़ादी कह दिया, मिस की आज़ाद होने के लिए, और यहाँ पर इसका बांग्लादेश अलग नाम पड़ा, ठीक, और उसी के बाद ये उमार सुनार बंगला ये अपना राष्ट्रीय गीत बनाया था, ये याद रखिएगा। 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यही कथन सही है। ये उमार सुनार बंगला किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है जो, ये देखिए ये जो लिखा गया है उमार सुनार बंगला, ये लिखा गया है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, और रविन्द्रनाथ टैगोर हमारा भी राष्ट्रगान लिखे है कौन, जनगणमन, ये भी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 के भारत के पंचवर्षीय योजना प्रणाली को रूस से अपनाया गया था। हाँ सही बात है, पंचवर्षीय योजना प्रणाली रूस में भी चलता था। उसी रूसी नेता का नाम जिन्होंने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टि को लागू किया था। तो रूसी नेता का नाम बताना है कि जो पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना लागू किए थे, तो ये 1928 से 1932 में लागू करने वाले रूसी जो पहले थे वो जोसेफ स्टालिन थे। स्टालिन का नाम आपको याद होगा ही, ये कैसे भूल सकते हैं आप, ठीक, तो जोसेफ स्टालिन थे, ये याद रखिएगा। और इसी को देखा देखिए भारत में जब आज़ादी हुआ तो भारत में भी सबसे पहला आया था पंचवर्षीय योजना, जो कृषि पर ज़्यादा उस पर बल दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस आईएएस अधिकारी ने किया था। जो सुधा कोऑपरेटिव है, अभी सुधा आप देखते हैं ना सुधा दूध, उस कोऑपरेटिव की स्थापना किस द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। तो बिहार राज्य में दूध सहकारी संगठन लिमिटेड, जिसे आपको कॉम्फेड के नाम से जाना जाता है, ये 1983 में बिहार में आनंद पैटर्न पर डायरी विकास की परिचालन कार्यक्रम, जो आनंद है ना पूरा गुजरात में आनंद वाला है पड़ता है, ठीक, अमूल पड़ता है, ठीक, वैसे आपको यहाँ पर भी शुरुआत किया गया था, ठीक। और ये किस द्वारा, तो ये रामचंद्र सिन्हा द्वारा शुरुआत किया गया था, रामचंद्र सिन्हा द्वारा, ये याद रखिएगा, ठीक, ये आपको आपको क्या थे, ये आईएएस थे, ठीक, आईएएस अधिकारी थे रामचंद्र सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 9 थे कि दादेली वन्यजीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है। जो दादेली वन्यजीव अभयारण्य है ये भारत के किस राज्य में है, ये आपको बताना है। तो दांदेली जो है ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ गया, कर्नाटक, कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में सोना के खान भी है कोलार, ये भी याद रखिएगा। पन्ना जो है ये हीरा के कान है, जो खान है, जो कि आपको मध्य प्रदेश में स्थित है। ये सब आपको याद रखना चाहिए। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, तो बेंगलोर है, ठीक। सिलिकॉन सिटी बोला जाता है उसे, सिलिकॉन वैली और सिलिकॉन सिटी में अंतर होना चाहिए। सिलिकॉन वैली जो है ना वो आपको केरल में स्थित है, और सिलिकॉन सिटी जिसे बोला जाता है वो बेंगलोर को कहा जाता है। ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है माउंट एटना, यहाँ पर देखिए माउंट एटना जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वो निम्नलिखित में से किस देश में है। तो माउंट एटना जो है ये यूरोप का सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, ये आपको किस देश में स्थित है आपको बताना है। तो ये जो स्थित है ये आपको इटली में है, माउंट एटना इटली, माउंट एटना इटली, ये याद रखिएगा। सिसिली पर माउंट एटना जिसे स्थानीय रूप से मूंगी बेलो कहा जाता है, वहाँ के स्थानीय लोग मूंगी बेलो कहते हैं, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ये सब आपको याद रखना है। भारत में भी आपको सक्रिय ज्वालामुखी पड़ेगा अंडमान निकोबार में,
ठीक, ये याद रखिएगा, वो दो ज्वालामुखी का नाम आप याद कर लीजिएगा, बैरन द्वीप, मैंने बताया था आपको बैरन ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ेगा, ठीक, ये याद रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 11 है कि पोनमुडी दक्षिण भारत के एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास स्थित है? तो पोनमुडी जो है यह किस शहर के पास स्थित है, नाम से ही पता चल रहा है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये पोनमुडी जो है ये केरल के पास स्थित है, ये याद रखिएगा, त्रिवेंद्रपुरम जो जिला है वहीं पर ये एक पंचायत के हिल स्टेशन है, पेरिंगमंगला पंचायत है उसके हिल स्टेशन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 का आंसर आपको हो जाएगा 3, आपको केरल की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम है, ये भी याद रखिएगा। बिहार में लीची उत्पादन है, बिहार में लीची उत्पादन होता है कितना परसेंट होता है ये बताना है। भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादन जो होता है ये लीची का बिहार में ही तो होता है, और बिहार के मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है इसके लिए, तो यहाँ पर 74% उत्पादन होता है पूरे भारत का, कितना 74%, ठीक, ये याद रखिएगा। जो लीची का खाने वाला भाग है उसे एरल बोला जाता है, एरल, या आज मैं भी जो विज्ञान में क्वेश्चन कराया हूँ कि लीची के जो भाग खाने वाला भाग है उसे क्या बोला जाता है, एरल जो बोला जाता है वो मैंने क्वेश्चन कराया है जो विज्ञान के मास्टर वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के अनुसार निम्नलिखित में किसे सजा को माफ़ करने या सजा में हेर फेर करने का शक्ति दिया गया है? आर्टिकल 161 देखिए, आर्टिकल जो 161 है उसमें आप सीधे राज्यपाल के पास चले जाइए, ठीक, या राज्यपाल के पास, और आर्टिकल अगर 72 की बात करता है, माफ़ कीजिएगा, 72 की, वो सीधे राष्ट्रपति के पास आपको सज़ा माफ़ करने के लिए हो जाएगा। तो ये कहाँ पर हो जाएगा, आर्टिकल 161 कहते ही कहाँ पर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आपको राज्यपाल के पास चले जाइएगा। लेकिन राज्यपाल जो मृत्यु की सज़ा मिलता है ना उसे नहीं माफ़ कर सकता, जो मार्शल कोर्ट वाला सज़ा होता है आर्मी उर्मी वाला जो कोर्ट का, उसे भी उसके भी बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता राज्यपाल, लेकिन राष्ट्रपति कर सकता है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित संविधान, यहाँ माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? 5 से 11 जो आर्टिकल 5 से 11 है ना, देखिए भारत के आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है ये संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में दिया है जो कि संविधान के भाग 1 में है, उसी में भारत का नाम भारत और इंडिया बताया है, ठीक, दो नाम बताया है। फिर आपको आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक संविधान के भाग 2 में दिया हुआ है जो कि सिटीजनशिप के बारे में, इसकी नागरिकता का बारे में दिया हुआ है। अभी CAA आया, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ये जो अभी आया था, जो कैब हो गया, पहले बिल आया था फिर एक्ट हो गया, यहाँ पर आपको यहाँ पर याद रखिएगा ये भारतीय नागरिकता से संबंधित है, और भारत में एकल नागरिकता है, भारत में क्या है, एकल, दोहरी नागरिकता कहाँ पड़ता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है आपको, स्विट्जरलैंड में पड़ता है दोहरी नागरिकता, इसराइल में, इसराइल आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए, स्विट्जरलैंड में और संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता पड़ता है प्रधान, ठीक। यहाँ पर देखिए 14 का आंसर क्या हो जाएगा, भारत की नागरिकता आर्टिकल 5 से लेकर 11, और आप आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट के बारे में, जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसे संविधान के मैग्नेकाटा भी बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, मुझे फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि संविधान का अनुच्छेद 300A, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया, फंडामेंटल राइट से किसकी गारंटी देता है? देखिए जब संविधान लागू हुआ था उस समय 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे यहाँ के नागरिक को, 7 मौलिक अधिकार, जिसमें एक संपत्ति के अधिकार भी था, जो कि आपको 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया और उसे आर्टिकल 300A में डालकर लीगल राइट बना दिया गया, ठीक। तो ये किससे संबंधित ये पूछ रहा है, तो कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं रहेगा, ये आपको लीगल राइट बना दिया गया है, इससे संबंधित है आर्टिकल 300A, ठीक। पहले यही आपको जिसमें इसका वर्णन जो है, कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं होगा, ये एक प्रकार का अधिकार था, मौलिक अधिकार, लेकिन अब मात्र 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक, जो कि संविधान के भाग 3 में है। ये जो मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया है यूएसए के संविधान से लिया गया है, और इसे संविधान का मैग्नेकाटा कहा जाता है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आपको उल्लेख है मौलिक अधिकार का, ये भी याद रखिएगा, 6 प्रकार का भी मौलिक अधिकार है। और आज का ये लास्ट सेट हुआ, सेट फाइव हुआ ये, जिसमें आपको मैं 15 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और 1 से लेकर 5 तक मैं सेट आपका खत्म करता हूँ, ऐसे ही आगे भी दिन में मैं जारी रखूंगा, जब जब समय मिलेगा मैं आपको बताते रहूँगा। यहाँ पर देखिए लेखाखान के सिद्धांत, यहाँ पर देखिए लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा और काम करता रहेगा तथा कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगा, ये किस सिद्धांत का, आपको लेखांकन के किस सिद्धांत के अनुसार आपको यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपको बनाना है। देखिए इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन जो देता है ना, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं देता है, ठीक, जितना हार्ड क्वेश्चन इसमें सेट किया गया है, और काफ़ी हार्ड क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से इसमें सेट कर दिया गया है, ठीक। अब यहाँ पर निगेटिव होने के बावजूद भी इतना क्वेश्चन हार्ड कभी नहीं देगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो ये किससे संबंधित है, ये किससे है, तो सुनाम प्रतिष्ठान से, सुनाम प्रतिष्ठान लेखांकन के सिद्धांत के अनुसार व्यवसाय बना रहेगा, काम करता रहेगा तथा कोई अंतिम निर्धारित तिथि नहीं होगी, ठीक, ये सुनाम प्रतिष्ठान जो है इसके अकॉर्डिंग, ठीक, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है कि आम के हिमसागर किस्म किस प्रकार राज्य से, जो आम है, आम का एक हिमसागर किस्म है, ठीक, ये किस राज्य से संबंधित है, ये आपको बताना है, ठीक। ये जो आपको संबंधित है किस राज्य से संबंधित है, तो ये संबंधित है पश्चिम बंगाल से,
जो आम का हिमसागर प्रजाति है ये पश्चिम बंगाल से, एक मालदा प्रजाति भी, मालदा आम होता है ना मालदा, वो भी उधर से ही मिलता है, बाहर और बिहार और पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र होता है मालदा, वहाँ से आपको मालदा आम आता है, ठीक, ये भी याद रखिएगा, ये भी आम की प्रजाति है, ठीक। भागलपुर वाला क्षेत्र में जाइएगा तो मालदा आम मिलता है। तीन, देखिए कि अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ, शीर्ष में एक स्तंभ पर आपको बताना है, अशोक के सिंह चतुर्भुज शीर्ष स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था, क्या स्तंभ, ये क्या था, यह बताना है, ये सारनाथ, सारनाथ में था, ठीक। जो अशोक का जो ये सिंह वाला स्तंभ है ना, ठीक, चार जो सिंह इधर उधर मुड़ी कर बैठे हुए हैं एक दूसरे में पीठ सटा कर, ये सारनाथ में ही तो स्थित है, ठीक, एक स्तंभ पर था जो चारों शेरवा बैठे हैं। तो तीसरे के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, फोर, सारनाथ में सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने आपको धर्मचक्र परिवर्तन जिसे बोला जाता है वहाँ पर सबसे पहले प्रवचन किया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर फोर है कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, ये किसका है, जगदीशपुर से कौन आता है, बस समझ लीजिए, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, मिसकी बाबू वीर कुंवर सुई 1857 की क्रांति का सबसे बड़े नेता के रूप पर, बाबू वीर कुंवर सुई सबसे ज़्यादा उम्र होने के बाद भी खूब लड़े थे, ठीक। तो ये आरा के जगदीशपुर क्षेत्र से थे, ये याद रखिएगा, 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका बिहार से ये निभाए थे। फोर के आंसर क्या हो जाएगा, थ्री, ये बोले थे मैं जहाँ भी हूँ वहीं मेरा जगदीशपुर है, ठीक। फाइव, देखिए बंगाल का विभाजन ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था, जो बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था, या किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है, तो ये लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था, और इसके बाद ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था, बंगाल विभाजन के बाद ही 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, 1907 में आपको सूरत का कांग्रेस का विभाजन हुआ था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, यहाँ पर देखिए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, महत्वपूर्ण क्वेश्चन में महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक। हिंदू पुनर्विवाह जो अधिनियम आया, पूछ सकता है कि ये कब आया था, 1856 में, ठीक, ये याद रखिएगा। ये किसके शासनकाल में आया था, ये भी पूछ सकता है, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में आया था, ये भी याद रखिएगा, जिसे अधिनियम 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ, इस समय कौन आया था, देखिए यह आ गया क्वेश्चन वहीं, ठीक। पूरा क्वेश्चन भी हम नहीं पढ़े लेकिन समझ गए कि ये क्या को पूछता है, तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में यह था, और लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही 1857 का विद्रोह भी हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, लॉर्ड डलहौजी से क्वेश्चन ये पूछा था कि हड़प नीति जो है, डॉक्ट्रिन ऑफ लॉप्स जो है, ये किससे द्वारा आया था, तलराज की हड़प नीति जो है वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ से देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन जिसे बोला जाता है, जो कि अगस्त 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था, ये 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये जो स्टार्ट हुआ था ये मुंबई के ग्वालियर जो मैदान के टैंक है वहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये 7 का आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो अबुल कलाम आज़ाद किए थे, ये भी याद रखिएगा, जो कांग्रेस का इस समय अधिवेशन हुआ था ये मुंबई के ग्वालियर टैंक में आयोजित हुआ था, और अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले हैं, अबुल कलाम आज़ाद, ये भी याद रखिएगा 1923 में। और एक क्वेश्चन और मैं आपको जाते जाते करा दूं कि अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सबसे ज़्यादा, मतलब कि अधिक दिनों तक या अधिक बार अध्यक्ष बनने वाले भी अबुल कलाम आज़ाद ही हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग नामक स्थापना की गई, ठीक। ये गोल्डन लीग एक संस्था थी जिसका स्थापना किया गया था बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में, ठीक। जो स्वदेशी आंदोलन था बंगाल विभाजन के बाद स्टार्ट हुआ था, ये जो किया गया था ये किसके, तो ये यहाँ पर होगा देवघर में, ये किया गया था देवघर, जानते होंगे आप, अभी ये झारखंड में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है, थार रेगिस्तान जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है इससे होकर बहती है, ये कौन सी नदी है, तो ये है लूनी नदी, जो कि कच्छ के रण में गायब भी हो जाती है, ठीक, विलीन हो जाती है, ये लूनी नदी है, ये याद रखिएगा, ये भी पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। कोडरमा एक लुप्तप्राय द्रविड़ भाषा है, कौन, कोडरमा लुप्तप्राय द्रविड़ भाषा है, और दक्षिण के कोडगु जिले की मूल भाषा है, यह दक्षिण के कोडगु जिले के किस जिले की मूल भाषा, यह बताना है कोडरमा, ठीक। तो ये आपको बताना है, ये किसके है, तो ये कर्नाटक के कोडगु जिले की मूल भाषा है, दक्षिण कर्नाटक के कोडगु जिले की, ठीक, ये याद रखिएगा कोडरमा। क्वेश्चन नंबर 11 कि निम्नलिखित में कौन सा एक अल्पाइन देश है, इनमें से कौन सा एक अल्पाइन देश है, ये आपको बताना है, ठीक। तो इटली जो हो जाएगा एक अल्पाइन देश हो जाएगा, ठीक, ये याद रखिएगा। 11 के आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 12 कि पटना से प्रकाशित होने वाले प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था, पटना से प्रकाशित होने वाले सबसे पहला अखबार कौन था, ये आपको बताना है, अंग्रेजी अखबार। ऐसे पूरे भारत में पूछे तो बंगाल गजट था, जो जेम्स सिक्की द्वारा आपको लाया गया था, प्रकाशित होने वाला अखबार था अंग्रेजी सबसे पहला मैंने बताया बंगाल गजट। लेकिन अगर बिहार से पूछे तो कौन हो जाएगा, तो बिहार से पहला अंग्रेजी समाचार बिहार हेराल्ड हो जाएगा, जो कि 1875 में गुरु प्रसाद सेन ने शुरू किया था, ठीक। और इंडियन क्रॉनिकल नामक समाचार पत्र भी पटना से ही प्रकाशित होता था, ये भी याद रखिएगा। तो 12 के आंसर इसमें क्या लगाइएगा आप,
दी बिहार हेराल्ड, जो कि 1875 से प्रकाशित होता था, अंग्रेजी समाचार पत्र था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष में संशोधन औपचारिक रूप दे दिया गया, तो इसे मिस की संवैधानिक रूप दे दिया गया, ये आपको किस संशोधन के द्वारा, ये आपको पूछ रहा है, तो ये 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे एक संवैधानिक रूप दे दिया गया था, ठीक, ये याद रखिएगा। देखिए ये जो 44वां संविधान संशोधन था, इसमें क्या किया गया था कि जो 42वें संविधान संशोधन में कौन कोई खराबी किया गया था उसे सुधार कर दिया गया था, मोरारजी देसाई की सरकार में 1977 में किया गया था। और इसी समय क्या किया गया था कि आपको जो संपत्ति का अधिकार है उसे आपको लीगल राइट बनाकर आर्टिकल 300A में डाल दिया गया था, उसे मौलिक अधिकार से निकालकर। ये 1889 में जो 61वां संविधान किया गया था, इसे आपको इसमें क्या किया गया था, जो 21 वर्ष उम्र था वोट डालने का, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, ठीक, ये याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो। और ये तो सिक्किम से संबंधित है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है कि संविधान CEC और चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल सुरक्षा निश्चित करता है, ठीक, जो चुनाव आयोग है, ये जो संविधान के जो चुनाव आयोग है और चुनाव आयुक्त जो है, ठीक, ये आपको बताना है कि कार्यकाल सुरक्षा निश्चित करता है, वे 6 साल के कार्यकाल के लिए आयुक्त किए जाते हैं, वह अधिकतम वर्ष तक नियुक्ति आपको हो सकते हैं, इसकी नियुक्ति रहते हैं जो भी पहले हो, तो 6 साल, या मैंने ये संविधान में क्वेश्चन कराया है संविधान के मास्टर वीडियो में, 6 साल या 65 वर्ष, 6 साल या 65 वर्ष, जो भी सबसे पहले होगा वो रिटायर हो जाएंगे, ठीक, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 के निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है, यह राज्यसभा की शक्तियों में से कौन से एक है, यह आपको बताना है। राज्यसभा की शक्ति, राज्यसभा को सदन का उच्च सदन बोला जाता है, इसकी आपको संसद का उच्च सदन बोला जाता है, ये एक अस्थायी सदन है। और यहाँ पर 15 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है, सबसे पहले पढ़ते चलते हैं। तो यह संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल मामले पर कानून बनाता है, यह धन विधेयक या गैर धन विधेयक पेश लागू और लागू कर सकता है, ये दे रहा है, देखिए यह धन विधेयक या गैर धन विधेयक पेश या लागू कर सकता है, ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सही है शक्तियों में। तो ये धन विधेयक और गैर धन विधेयक में राज्यसभा को बहुत कम शक्ति प्राप्त है, और राज्यसभा को जो शक्ति प्राप्त है वो राज सूची के विषय पर ज़्यादा शक्ति प्राप्त है, ये याद रखिएगा, ठीक। तो ये वाला तो गलत हो गया। यह कराधान, बजट और वार्षिक वित्तीय विवरण को प्रस्तावों को मंजूरी देता है, ये आप देखिए ये दूसरा दे रहा है, ठीक, ये भी गलत है, इसमें सबसे ज़्यादा लोकसभा की शक्ति प्राप्त है, ठीक। यहाँ पर देखिए, यह गैर धन विधेयक पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयक को संशोधन का सुझाव देता है, ये सही है, और सुझाव देता है, लेकिन सुझाव आपको 14 दिन तक इसके पास समय रहता है देने के लिए, सुझाव दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है, कोई सुझाव देता भी है तो लोकसभा मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, ठीक। तो जो आपको धन के मामले में तो सबसे कम शक्ति दिया गया है राज्यसभा को, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यह आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देता है, ये बात ये आपको समझ लीजिएगा, आपातकाल की घोषणा को ये क्या बोल रहा है कि आपातकाल को घोषणा को मंजूरी देता है, देखिए यही मात्र एक नहीं देता है, आपको लोकसभा भी आपातकाल के घोषणा को मंजूरी देता है, ये याद रखिएगा। आपातकाल की जो घोषणा है वो तो राष्ट्रपति ने करता है घोषणा, ठीक, आपातकाल की घोषणा, ये भी याद रखिएगा। तो ये पूछ रहा था इसमें से कि शक्तियों में से एक एक शक्ति बता रहा है, इसमें से कौन से एक इसका शक्ति है, ठीक, तो ये इसमें से ये हो जाएगा, यह गैर धन विधेयक पर विचार और अनुमोदन करता है, गैर धन विधेयक, अगर धन विधेयक रहता है तो उसमें संशोधन का सुझाव देता है, लेकिन अगर सुझाव मानना चाहे लोकसभा तो मान सकता है, नहीं भी मान सकता है, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता, 14 दिन तक शक्ति मात्र रहता है कि 14 दिन के अंदर ये आपको सुझाव दे दे राज्यसभा। ये टोटल देखिए 5 में सेट आपको करा चुका हूँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और जो भी मैं क्वेश्चन देता हूँ उसे ध्यान से देखा कीजिएगा, हो सकता है कि आपके एग्जाम में आए तो आप अच्छे से लगा लें। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।